अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नहीं जी, फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग हम खदीजा के लंच बॉक्स से शुरू करें। मैंने सुबह सुबह शुरू कर लिया था, क्योंकि बस फिर सारा दिन करने का कुछ काम ही नहीं होता, इसलिए मैंने कहा सुबह से शुरू कर लें ताकि आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर खदीजा का लंच बॉक्स भी तैयार हो रहा है और साथ में खदीजा बैठी नाश्ता कर रही है, और साथ में आज हमारे सुबह सुबह मौसम बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया था। साथ में बारिश भी हो रही थी और अल्लाह की शान के साथ धूप निकली है, साथ बारिश हो रही है, साथ हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह प्यारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मौसम हो गया था। यहाँ पे कल हमने बनाए थे भरे हुए बैंगन, ये एक दिन पहले हमने दाल बनाई थी वो पड़ी थी, मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर देते हैं, बस हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद आज मैंने ये स्टोव को क्लीन करना था क्योंकि ये काफ़ी गंदा हुआ था। पहले मैंने कुछ के साथ सिंपल है ना उसको अच्छी तरह मार के फिर मैं अब इसके ऊपर लगाऊँगी दूसरा साबुन वाला कपड़ा, उसका जो से दाग वगैरह होते हैं ना वो ठीक उतर जाते हैं। बस मैंने इसी यहाँ पे वीडियो जल्दी फास्ट मोड पे कर दी थी और फिर मैंने ये सारे स्टोव माशाल्लाह क्लीन हो गए थे। बर्तन मैंने पहले वॉश करे था, मैं इसको टोकरी में लगा दूँगी ताकि जो सा पानी वगैरह ना वो निचड़ जाए और एन बर्तन सारे खुश्क हो जाए, फिर हम इनको इनकी जगह पे रख देंगे। तो काम साथ साथ होते रहते ठीक रहते हैं, जब जब जमा हो जाते हैं ना तो फिर बस बड़ा मसला बनता है। हमारे इलाके का पानी भी ऐसा है गंदा सा, तो वो बर्तनों में निशान छोड़ जाते हैं। और साथ में कुछ घर की ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, वो मैंने मंगवाई थी कल, वो भी आ गई थी। मैंने कहा फिर कुछ ये भी शेयर करती हूँ, और ये कुछ साबुन वगैरह था, कुछ बस ज़रूरत की चीज़ें थी। ये शॉपर हम उसको जगह पे रख देंगे ताकि हमारी डस्टबिन में लगाने के काम आ जाए। और ये कस्टर्ड वगैरह था, कुछ ज़ीरा वगैरह था, इस तरह वो घर की चीज़ें ख़त्म हुई थी। मैंने कहा ये मंगवा लेती हूँ। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त है ना ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने एक चम्मच जो सा है बड़े वाला, ये मैंने चीनी का लिया है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस 3-4 सेकंड में ये हल हो जाता है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा टैंग, ऑरेंज वाला मैंने टैंग यूज़ किया। आपने इस तरीके से बनाना है और आपने ज़रूर बताना है अपना फीडबैक करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल भी जल्दी से ग्रो हो, हमारी वीडियोज़ पर भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से डिशेस लेके आए। तो यहाँ तक भी पहुँचने में आपने मेरा साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह ताला आपने मेरा साथ देना है ताकि मैं भी जल्दी से अपनी फर्स्ट इनकम ले सकूँ। तो बस हम यहाँ पे इसको जल्दी से मिक्स करेंगे, इसको 2 मिनट में ये मिक्स हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हमने डालना है काला नमक, ये आपने ज़रूर डालना है क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन आला क्वालिटी का हो जाता है, बिल्कुल ऑरेंज जूस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी और पानी और हमारा बेहतरीन सा ऑरेंज जूस तैयार हो गया। मैं छोटे छोटे से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर एंड तक देखा करें, ज़रा सपोर्ट किया करें। ये मैंने ग्लास लिया, इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे क्योंकि कोई भी ड्रिंक हो जितनी आजकल गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, उसमें ठंडे ठंडे इस तरह के रिफ्रेशिंग जूस ही अच्छे लगते हैं, ठंडी ठंडी ठार फीलिंग आती है। ये हमारा बेहतरीन सा जूस बन के तैयार हो गया है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें जो से मैंने केक का आपको दिखाया, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ढेरों सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।